हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस टीचर शिखा एंड साइंस वन के चैप्टर फोर में आज हम पढ़ने वाले हैं यूजफुल प्लांट्स का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, this is our today's chapter, chapter number 4, and the name of the chapter is useful plants. तो इस chapter में आज हम पढ़ेंगे कुछ useful plants के बारे में। chapter at a glance में देखते हैं कि आज हम कौन कौन से topic आपने इस chapter में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे food के बारे में, medicines के बारे में, fibers के बारे में, wood के बारे में, पेपर, गम एंड रबर के बारे में एंड फ्लावर्स के बारे में। ये सारे टॉपिक आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपना इंगेज सेक्शन देखते हैं और ये जानते हैं कि इंगेज सेक्शन में आज हमें कौन सी एक्टिविटी दी गई है। तो एक्टिविटी पढ़ते हैं, राइट W फॉर प्लांट्स डैट ग्रो इन वॉटर एंड L फॉर द वर्म्स डैट ग्रो ऑन लैंड। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं फ्लावर्स की, प्लांट्स की। अब आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और आपको ये बताना है कि ये जो प्लांट है या ये फ्लावर है वो पानी में यानी कि वाटर में ग्रो होता है या फिर लैंड पे ग्रो होता है। अगर वो वाटर में ग्रो होता है तो W लिख दीजिए इन ब्लैंक्स में, और अगर वो लैंड पे ग्रो होता है तो इसमें L लिख दीजिए। चलिए अपना मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि हमें उनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती है, परफ्यूम मिलता है, ऑयल, वुड, पेपर, रबर, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमें प्लांट से मिलती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फूड, कौन कौन से फूड हमें प्लांट से मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, डिफरेंट प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रॉ फॉर्म डैट इज उनको कच्चे रूप में ही खा सकते हैं। फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें हेल्दी बनाते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। और फ्रूट्स का और क्या यूज है, फ्रूट्स को हम जैम्स बनाने में, जेलीज बनाने में, जूस बनाने में या फिर डेजर्ट बनाने में भी यूज करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है फ्रूट्स के, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, वाटरमेलन, ग्रेप्स, ये सभी हमारे फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज जो हमें मिलती है प्लांट से, वो है वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स क्या है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब कुछ वेजिटेबल ऐसी होती हैं जिनको हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं यानी कि कच्चा खा सकते हैं, जैसे अनियन, क्यूकम्बर, जबकि कुछ वेजिटेबल ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते, हमें उन्हें कुक करना होता है उनको खाने से पहले। तो वेजिटेबल कौन कौन सी हैं, क्यूकम्बर, कैबेज, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, ये सब हमारे वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सीरियल्स एंड पल्सेस। हमें प्लांट से बहुत सारी वैरायटी की सीरियल्स और पल्सेस मिलते हैं, जैसे वीट, राइस, मिलेट, मेज, ये सब हमारे सीरियल्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा रेड लेंटिल्स, ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स एंड बंगाल ग्राम, ये सब हमारे पल्सेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस यानी कि मसाले भी हमें किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। स्पाइसेस क्या करते हैं, हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं, उसमें कलर ऐड करते हैं और फ्लेवर ऐड करते हैं। और स्पाइसेस के एग्जाम्पल क्या क्या है स्टूडेंट्स, कार्डमम, क्लोव, ब्लैक पेपर, सिनेमन, ये सब हमारे स्पाइसेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमें क्या मिलता है प्लांट से, हमें मिलता है ऑयल्स। बहुत सारे वैरायटी के ऑयल्स मिलते हैं, वो ऑयल जो हम कुकिंग में यूज करते हैं वो भी प्लांट से मिलता है, वो ऑयल जो हम बॉडी पे लगाते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलता है, एंड वो ऑयल जिसको हम एज अ हेयर ऑयल यूज करते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलता है,
और ये प्लांट के सीड से हमें मिलता है। और कुछ ऑयल के एग्जाम्पल है ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, ये सब ऑयल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है प्लांट से कॉफी, टी एंड शुगर। प्लांट से हमें कॉफी, टी एंड शुगर मिलता है। और शुगर हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन प्लांट जो गन्ना होता है उसकी स्टेम से मिलता है। और टी हमें कहाँ से मिलती है? टी लीव से मिलती है, जबकि कॉफी हमें कॉफी प्लांट के सीड से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिंस, ये भी हमें प्लांट से मिलती है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे तुलसी, आंवला, नीम, मिंट, एलोवेरा, जो हमें मेडिसिन देते हैं, इसलिए इनको हम मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। अब प्लांट्स हमें क्यूनाइन जैसी मेडिसिन भी देते हैं जो मलेरिया में काम आती है। नेक्स्ट इज फाइबर्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमें फाइबर देते हैं। और फाइबर से क्या बनता है? फाइबर से बनता है क्लोथ। और फाइबर क्या होता है? फाइबर एक धागा टाइप, थ्रेड लाइक पार्ट होता है, जिसको हम वीव करने में यानी कपड़ा बुनने में यूज करते हैं। और फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉटन एंड जूट। नेक्स्ट इज वुड, प्लांट से हमें वुड भी मिलती है। आप जो हमारे घर में फर्नीचर होता है ना, जैसे टेबल, चेयर, बेड, ये सब किसकी बनी होती है? ये सब वुड की बनी होती है। और वुड को हम घरों में जो डोर्स होते हैं, विंडोज होती हैं, उनको बनाने में भी यूज करते हैं। और वुड हमें कौन सी ट्रीज से मिलती है? ये हमें मिलती है टीक से, शीशम से, साल से एंड पाइन से। और ये वुड बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। नेक्स्ट इज पेपर, गम एंड रबर। हमें कुछ प्लांट से क्या मिलता है? पेपर, गम एंड रबर मिलता है। और जो बैम्बू है, बैम्बू प्लांट है, वो हमें पेपर प्रोवाइड कराता है। और जो गम होता है वो हमें कीकर ट्री से मिलता है। एंड रबर मिलती है हमें रबर प्लांट के जूस से। नेक्स्ट इज फ्लावर्स, फ्लावर्स को हम किस में यूज करते हैं? हम डेकोरेशन में यूज करते हैं एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे, जब हम गॉड को चढ़ाते हैं तो हम फ्लावर्स का यूज करते हैं। और फ्लावर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं रोज, मैरीगोल्ड, लोटस एंड कार्नेशन, ये सब हमारे फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ, यानी कि एक्सरसाइज टाइम की तरफ, और देखते हैं एक्सरसाइज टाइम में आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट हमें सॉल्व करना है वी ईट मोस्ट ऑफ आवर फ्रूट्स, हम अपने फ्रूट्स को कैसे खाते हैं? रॉ और कुक्ड, सो वी ईट इन रॉ फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन, वीट एंड राइस आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल्स। थर्ड, ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। फोर्थ, गम इज मेड फ्रॉम रबर प्लांट। नेक्स्ट इज गम इज मेड फ्रॉम कीकर ट्री। बी पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स यूज करके ब्लैंक्स में वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ एज सैलड। थर्ड, किडनी बीन्स एंड बंगाल ग्राम्स आर पल्सेस। फोर्थ, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन प्लांट्स। एंड फिफ्थ, फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन एंड वर्शिप। सी देखते हैं, राइट, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स आर हेल्दी एंड गुड टू ईट, यस ट्रू। सेकेंड, वी शुड ईट ऑल वेजिटेबल्स रॉ, फॉल्स। थर्ड, स्पाइसेस डू नॉट एड टेस्ट टू द फूड, फॉल्स। फोर्थ, फूड इज कुक्ड इन ऑयल, यस ट्रू। एंड फिफ्थ, नीम एंड तुलसी आर मेडिसिनल प्लांट्स, यस ट्रू। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अवर टूडेज चैप्टर। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दिस वॉज अवर टूडेज वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।